आज हम सब बहुत खुश हैं, अरुण बोर्ड फिल्म्स की पूरी टीम बहुत खुश है, क्योंकि फाइनली 7 अगस्त 2020 को हमारी दो फिल्में, अरुण बोर्ड फिल्म्स की बनाई दो फिल्में रिलीज होने जा रही है बैक टू बैक। पहले ध्वनि रिलीज होगी, उसके बाद प्लेज। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप देखिए देखिए, पसंद करिए, व्यू कमेंट्स दीजिए, लाइक्स करिए, एंड जिससे हमारा हौसला बने। और हमने कोशिश की है, जहाँ तक इन फिल्मों को बनाने की कहानी है, इट्स वेरी सिंपल कि हम लोगों ने कोशिश की, हमारी टीम जिसमें राइटर्स भी हैं, एडिटर्स भी हैं, कैमरामैन भी है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने मिलकर के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत की। क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि पहले ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। हम नहीं चाहते थे कि हम डीप एक्सपेरिमेंट में जाए, कुछ डार्क सब्जेक्ट पे जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं था, ना हमारे पास पैसे थे, ना हमारे पास फाइनेंस था, हमें पता नहीं था कि हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कि कैसे कंप्लीट करना। बट एक लगन थी मन में कि नहीं यार, एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ तो क्रिएटिव करते हैं, लेकिन बैकअप नहीं था, तो हमने बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स को लिया। और जैसे जैसे काम चलता गया, लोग आते गए, जुड़ते गए, उनका सपोर्ट मिलता गया, और फाइनली 5-6 प्रोजेक्ट्स में से 3 प्रोजेक्ट्स को हमने पिछले साल हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब तक ये महीनों से ये अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में रन कर रहे थे, अब फाइनली पॉकेट फिल्म्स में ये रिलीज होने जा रहे हैं 7 अगस्त 2020 को। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड आई एम जस्ट प्रे कि आप सब लोग हमारी फिल्मों को देखें और अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, अपने लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, हमारा मनोबल बढ़ सके, हम और अच्छी और एक्सपेरिमेंटल फिल्में बना सकें। दैट्स इट। एक्साइटेड हूँ मैं, पूरी टीम एक्साइटेड है, सब लोग खुश हैं कि यार इतने दिनों के बाद, इतनी मेहनत के बाद फाइनली लोग देख पाएंगे। डर भी लगता है यार, मतलब डर तो मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, बट घबराहट होती है यार कि मतलब हमने कोशिश की है यार, बहुत बहुत ही ईमानदारी के साथ, एक बहुत ही जमीनी विषयों के साथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और मेहनत की है यार। इट वॉज, ये हमारा फर्स्ट टाइम था। सो पता नहीं लोग जो भी कहें, पब्लिक को जैसे भी लगे, दर्शकों को जैसा भी लगे, हमें मंजूर है। एंड हम, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी लाइफ का फलसफा हमेशा से यही रहा है कि आप जो काम आपने कर लिया है, जो काम आपने जीवन में कर दिया है, उसको आप भूल जाइए और आगे बढ़िए और बेहतर करने की कोशिश करिए। तो यही है कि पहली बार ये एक्सपीरियंस होने जा रहा है, 2-2 फिल्में आ रही हैं यार, और लोग देख पाएंगे और देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितनी गालियां देते हैं, क्या करते हैं। बट पूरी टीम यार, सब लोग बहुत खुश हैं यार फाइनली। वेल, नीलू महादुर सेन, शी इज माई वाइफ, एंड उनका मेरे जीवन में भी और मेरे काम के साथ भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये अगर मैं ये कहूँ कि ये फिल्में जो हम लोगों ने बनाई हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, ये शायद मैं 50% मैं, मेरा माइंडसेट था कि मैं बनाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट। हम, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे साथ मेरे टीम में हैं, उन्होंने तो मोटिवेट किया ही, लेकिन मेरी वाइफ का, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मोटिवेशन में, हर मोमेंट में। शी इज़ ऑलवेज विद मी एंड शी ऑलवेज मोटिवेट मी। एंड उनका ये कहना था कि करके देखते, लेट्स सी, देखा जाएगा क्या होगा। लाइफ में आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, क्या हो सकता था ज़्यादा। और उनका कंट्रीब्यूशन एक तरीके से मैं बताऊं, अच्छा हाँ, आपको मैं बताता हूँ इसका छोटा सा किस्सा है कि मतलब इसमें हमारी एक फिल्म है जो प्लेज है,
ये एडाप्टेशन है एक कोरियन शॉर्ट फिल्म का जिसको मेरी वाइफ नीलू महादुर सेन ने अडाप्ट किया था। एंड उनकी ही ये बात थी कि एक बार इस सब्जेक्ट को देखा जाए। इट्स इट वॉज ऑन फर्स्ट सब्जेक्ट जिसमें हमने पहली बार हमने सोचा कि इस पर फिल्म बनाई जाए। बाकी बाकी सब्जेक्ट्स तो बाद में आए, लेकिन ये जो प्लेज का सब्जेक्ट था ये हमारा पहला सब्जेक्ट था। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ इस सब्जेक्ट को देखिए, इस फिल्म को देखिए। तो मैंने एक दिन बैठ के रात को देखा। इट वॉज अ वेरी आई मीन इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट। एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी कहानी, वो दिल को छू गई। तो मैंने कहा कि यार हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो हम इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में नहीं जा सकते थे। तो मैं उन्होंने मुझसे कहा लेट्स डू इट इस सब्जेक्ट के साथ। तो उसके बाद मैंने अपने डायरेक्टर साहब, राइटर डायरेक्टर जो हमारे टीम के पार्थ भट्टाचार्य जी, इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। उन्होंने मुझसे बताया कि वो इसका इसका स्क्रीन प्ले लिख देंगे। तो मेरी वाइफ ने उसका ट्रांसलेशन किया बैठ करके, नीलू ने, और उन्होंने मुझे भेजा उसको। तो फिर मैंने अपने डायरेक्टर साहब को दिखाया, पार्था जी को, फिर उन्होंने उसका स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग्स लिखा। सो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है एक फिल्म में एंड शी इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर। सो उनके बिना इस इन प्रोजेक्ट्स को की कल्पना करना भी थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए फिलहाल, इस फर्स्ट स्टेज में बहुत मुश्किल है। सो शी इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम। सो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। डबल रोल और ट्रिपल रोल का तो पता नहीं है। यार कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा। जब एज ए प्रोड्यूसर सेट पे होता था तो मुझे पता था कि मैं ही स्पॉट बॉय हूँ, मैं ही प्रोडक्शन वाला हूँ, मैं ही जैसा कि मैंने शेयर भी किया मेकिंग्स के वीडियोस, सारा काम खुद ही करना पड़ता था। और ऐसा नहीं कि जो डायरेक्टर है वो सिर्फ डायरेक्शन का काम कर रहा है, जो जो कैमरा मैन है सिर्फ कैमरा मैन का काम कर रहा है, जो एक्टर है सिर्फ एक्टिंग का काम कर रहा है। हम सब काम करते थे। सो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं डबल रोल में हूँ। इट वॉज फन, इट वॉज एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वो एक एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूँगा, कि मैं प्रोड्यूस करूँगा या प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट होगा, हम फिल्में बनाएंगे। बट सब लाइफ में कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, होना होता है, हो जाता है। तो मुझे लगता है मैंने, इट वॉज माई एक्सपीरियंस, मुझे मज़ा आया। जब मैं एक्टिंग नहीं करता था तो मैं सारा लोगों के खाने से लेकर पीने से लेकर ट्रैवल से लेकर के पानी पिलाने से लेकर के प्रोडक्शन की चीज़ें, लेंस लाने से लेकर के एवरीथिंग अपने जितने साथ के लोग हैं उनके साथ मिलकर करता था। पूरी टीम इतनी मेहनती थी। हम लोगों ने एक महीना लखनऊ में शूट किया जिसमें बहुत बड़ा सहयोग हमें डॉक्टर संघर्ष राव का मिला। उनके बिना शायद ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर मेरे मित्र हैं अजय चौधरी, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। उसके बाद स्कॉर्पियन क्लब, उन्होंने हमें बहुत मदद किया, बहुत हेल्प किया। नितिन मिश्रा जी हैं जिनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हमारे इस मेहनत के पीछे। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे डबल रोल प्ले करना करना पड़ रहा है वैसा कुछ। मैंने बहुत इंजॉय किया यार अपने काम को लेकर के, एंड बिकॉज ऑफ इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, मजा आया यार, इतना ही कह सकता हूँ मैं। वेल पाइपलाइन में देखिए, अभी हम लोगों ने तो बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ करने के बारे में, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो COVID-19 आ गया, तो व्हाट शुड आई से, इसने हम लोगों को पूरी तरह से घर में बैठा दिया। बहुत सारे प्लान्स थे जो बहुत पीछे चले गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हम लोगों का काम जारी है। हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्टोरी पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसके बाद जिस भी प्रोजेक्ट के साथ हम आएंगे, जिसमें हम काम कर रहे हैं, दैट वुड बी एब्सोल्युटली समथिंग डिफरेंट। क्योंकि ये जो 1-1.5 साल हम लोगों ने मेहनत की, इससे थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई गया है कि नहीं यार, हम लोग कुछ कर सकते हैं।
ऐसी उम्मीद हम अब कर सकते हैं कि हम लोग और अच्छा और अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब हम लोगों ने ये फिल्म कंप्लीट की, उसके बाद और भी लोग हमसे जुड़े, जुड़ने की इच्छा जाहिर की कि यार हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सो अभी अर्बन बोर्ड फिल्म्स में राइटिंग लेवल पे काम चल रहा है और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होता है तो हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बहुत जल्दी। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से, आप सबको मैं गुजारिश करना चाहूँगा, 7 तारीख को हमारी पहली फिल्म, मतलब बैक टू बैक आने वाली है, पहली फिल्म धोनी आने वाली है। सो प्लीज़ उसको देखिए, उसको प्यार दीजिए, उसके बारे में बताइए लोगों को, आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कुछ भी करिए, बट देखिए ज़रूर, और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को। इट्स अ वेरी लवली स्टोरी, फैमिली ड्रामा है, आप प्लीज़ देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए प्रेरित करिए, बिकॉज इस फिल्म में एक मैसेज है हमारे पेरेंट्स के लिए। और अगर आप लोग इस फिल्म को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों को देखने के लिए कहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा हमको प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। आई जस्ट प्रे टू गॉड, गॉड ब्लेस अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।